बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 5 में हमारे पास टॉपिक है चार्ल्स ला। चार्ल्स ला हमारे पास साइंटिस्ट जैकस चार्ल्स ने 1787 में रिप्रेजेंट किया था, और अपने जो लॉ में इसने रिलेशनशिप दी थी बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जब टेम्परेचर हमारे पास जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट किया था चार्ल्स ने। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास जो गिवन मास ऑफ अ गैस होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, या फिर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया है या इसको एक्सप्रेस करेंगे वी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यानी हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या होगी, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया है टू वी इज इक्वल टू के सी बाय टी, कॉन्स्टेंट को एक साइड पे रहने दी है तो वी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू के सी, और के सी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ चार्ल्स ला है, और हमारे पास के सी चार्ल्स ला के कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास जब वॉल्यूम चेंज होगा वी वन से वी टू पे, यह और वॉल्यूम हमारे पास कब चेंज होगा, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे फ्राम टी वन टू टी टू, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वी वन टी वन इज इक्वल टू के सी इनिशियल के लिए, और फाइनल हमारे पास क्या है वी टू टी टू इज इक्वल टू के हमारे पास फाइनल के लिए है, वेयर टी वन इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड वी वन इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, टी टू इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड वी टू इज द फाइनल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो हमारे पास जो इनिशियल में हमारे पास होगा वी वन टी वन इज इक्वल टू, वो हमारे पास फाइनल के बराबर होगा, इज इक्वल टू फाइनल वी टू टी टू। तो हमारे पास जो रेशियो होती है बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स ला, तो चार्ल्स ने हमारे पास क्या किया था, सिलेंडर लिया था, और इस सिलेंडर में हमारे का क्या था, पिस्टन था, यानी हमारे पास जो इसके वाल थे वो क्या थे, हीट इंसुलेटर थे, यानी उसमें से हीट पास नहीं हो सकती थी, और जो बेस थी वो हमारे पास क्या थी, हीट कंडक्टर थी। तो जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें या सिलेंडर को हम क्या करते हैं, जब हीटअप किया है तो चार्ल्स ने हीटअप किया है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास जो पिस्टन होगा वो मूव करेगा अपवर्ड। जब ये मूव करेगा अपवर्ड तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जब टेम्परेचर ये इसको हीटअप करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो उनकी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो वो मोर रैपिडली हमारे पास क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो जब गैस के मॉलिक्यूल रैपिडली मूवमेंट करेंगे तो उनका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल, यानी हमारे पास जो सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल है तो हमारे पास वो क्या होता है, 273 केल्विन के बराबर होते हैं। ईच टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल इज़ 273
यूनिट्स ग्रेटर देन द सेम टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। यानी हमारे पास के क्या होता है सेल्सियस प्लस 273, यानी हमारे पास जो सेल्सियस डिग्री में जो भी टेम्परेचर आएगा तो वो हमारे पास केल्विन उसका क्या होता है 273 टाइम ग्रेटर होता है। अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, जब वैल्यू ऑफ हम वॉल्यूम हमने प्लॉट किया है अगेंस्ट दी टेम्परेचर, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जो कि शो क्या करती है कि जो ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होता है इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो माइनस 273 है वो शो क्या करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को शो करता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है ज़ीरो होता है। लेकिन हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है इंक्रीज़ होता है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ को हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि शो करता है कि जो ही यानी हमारे पास T1, T2 इंक्रीज़ हुआ है तो साथ ही हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑकर होता है, लेकिन हमारे पास क्या है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है चार्ल्स लॉ की। एक्सपेरिमेंट है हमारे पास एग्जांपल है 5.2। इफ़ 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर इज़ हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट हायर टेम्परेचर। वॉल्यूम हमें दिया है 3 डेसीमीटर क्यूब और हमारे पास क्या है टेम्परेचर दिया हुआ है 300 एंड 400 केल्विन। तो V1 हमारे पास क्या है 3 डेसीमीटर क्यूब, T1 हमारे पास 300 केल्विन और T2 हमारे पास क्या है 400 केल्विन। तो हमारे पास क्या है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हाट इज़ दी वॉल्यूम, यानी V2 हमने फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम चार्ज ला अप्लाई करेंगे जो कि क्या है V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, V2 हमारे पास क्या है अननोन है तो उसको एक साइड पे रखेंगे और जो वैल्यू हमारे पास नोन होगी उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो V2 हमारे पास क्या है 3 डेसीमीटर क्यूब इंटू 400 केल्विन डिवाइडेड बाई 300 केल्विन। तो हमारे पास केल्विन केल्विन के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और V2 हमारे पास क्या जाएगा 400 हमारे पास आएगा 4 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या होता है फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा 4 डेसीमीटर क्यूब। एक्सरसाइज हमारे पास है उसमें हमारे पास है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एट 302 केल्विन ऑफ 5.41 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ गैस ओरिजिनली एट 353 केल्विन इफ़ दी प्रेशर डज नॉट चेंज। प्रेशर कॉन्स्टेंट है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है इनिशियल वॉल्यूम है जो कि हमारे पास क्या है 5.41 डेसीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है 302 केल्विन और हमारे पास फाइनल टेम्परेचर क्या है 353 केल्विन, जबकि हमने फाइंड आउट क्या करना है फाइनल वॉल्यूम। हमने इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। जो नोन है उसको हमने एक साइड पे ले आए हैं और जो अननोन है उसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है V1 T2 डिवाइडेड बाई V1। तो V2 हमारे पास होगा इज इक्वल टू 5.4 हमने वैल्यू पुट की है और सॉल्व किया है तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा V2 इज इक्वल टू 6.323 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हमने अगर चार्ल्स लॉ की मदद से फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट किया है।
नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0 सेंटीग्रेड ऑफ असेंबल ऑफ अ गैस दैट इज चेंज टू 731 सेंटीमीटर क्यूब बाय कूलिंग एट टू -140 सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास जो कि क्या है 371 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है 0 सेंटीग्रेड। तो हमने जब भी टेम्परेचर लेते हैं वो हम केल्विन में लेते हैं, तो जो सेंटीग्रेड होगा उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन हमारे पास क्या है 0 सेंटीग्रेड प्लस 253 इज इक्वल टू 273 केल्विन। यानी सो हमारे पास क्या होता है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। जब भी हम सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 को उसके साथ प्लस करेंगे। तो फाइन हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड है प्लस 273, तो हमारे पास फाइनल इनिशियल टेम्परेचर क्या आएगा 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या है T2 है जो कि हमारे पास क्या है 140 सेल्सियस है। तो हमारे पास क्या होता है 114 सेल्सियस है, तो ये हमारे पास क्या होता है -14 सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू 259 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या होता है टी फाइनल टेम्परेचर आ गया है। इनिशियल वॉल्यूम को हमारे पास क्या है V1, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमने अप्लाई किया है V2 T1 इज इक्वल टू V2 T2। V1 हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको एक साइड पे रहने दे, नॉन वैल्यू को हमने दूसरी साइड पे ले आए हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम आया है वो क्या है 770.513 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 319 सेंटीग्रेड ऑफ असेंबल ऑफ अ गैस 5.13 डेसीमीटर क्यूब एट 171 सेल्सियस इफ़ द प्रेशर डज नॉट चेंज। डेटा हमारे पास क्या है इनिशियल वॉल्यूम 5.13 डेसीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है 310 सेल्सियस। तो हमारे पास क्या है ये केल्विन, हमारे पास ये क्या सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, इसको हमने केल्विन में चेंज किया है, तो ये हमारे पास क्या आता है 592 केल्विन। और हमारे पास फाइनल टेम्परेचर क्या है T2 है, तो ये हमारे पास कहते हैं 171 है, और हमारे पास इसको केल्विन में किया है तो 273 प्लस किया है, तो 444 केल्विन फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आया है। रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है T1 V1 इज इक्वल टू V2 T2। रीअरेंज दी फार्मूला, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, V2 को एक साइड पे रखेंगे और नॉन वैल्यू को दूसरे साइड पे। तो V1 हमारे पास क्या है 5.13 डेसीमीटर क्यूब, T2 हमारे पास है 444 केल्विन और T1 हमारे पास है 592 केल्विन। वैल्यू को हम लोग ने सॉल्व किया है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या आता है 3.84 डेसीमीटर क्यूब, या फिर उसको राउंड ऑफ हमने किया है तो हमारे पास क्या है 4 डेसीमीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम आया है।